गाइस वेलकम बैक टू RSR। जी हाँ दोस्तों, RSR चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके सामने एक ओपनिंग जो है आपको बताता हूँ। पहली ओपनिंग ये है कि अगर आपने किस्त एप्लीकेशन से लोन ले रखा है और उसकी रीपेमेंट नहीं की है तो आपको भी ये प्रॉब्लम जो है फेस करनी हो गई पड़ सकती है। जो प्रॉब्लम मुझे जो है अभी फेस करनी पड़ गई, मेरे पास आज ही एजेंट का कॉल आया था। उन्होंने कहा भैया अगर आप इसे रीपेमेंट नहीं करोगे तो हम पूरी टीम के साथ आपके घर पर आ जाएंगे। तो मैंने उनसे ये कहा कि अगर किसी के दम है तो यहाँ से सीधे पैर जा के दिखा दूँ। ये तो बहुत लंबी बात है, जो बहुत छोटी बात हुई थी। तो पहले तो मैं अपना जो है अकाउंट दिखा देता हूँ किस्त में। ठीक है, ये किस्त एप्लीकेशन है, अभी अभी मैंने रिसेंटली डाउनलोडिंग करी है, मैंने इसको डिलीट कर दिया था। तो यहाँ पर सेलेक्ट लैन भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर भैया कह रहा है मोबाइल नंबर से है जो लॉगिन करो, तो भैया हम लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा वेट करेंगे लॉगिन करने का, पूरी डिटेल बताऊंगा। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्या क्या सीन है और क्या क्या आपके साथ भी ऐसा हो सकता है जो यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे मैं अलाउ अलाउ सब कुछ कर देता हूँ। तो यहाँ पे है जो मेरा अकाउंट जो है वो अभी ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो भैया वे कर लूँ यहाँ पर। यहाँ पे देखिए भाई साहब, साफ साफ जो लिखा हुआ है, साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, मेरा ऊपर नाम देख सकते हो, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है रंजीत। ठीक है, क्रेडिट जो हमारे अकाउंट में करे गए थे भैया 6000 रुपये क्रेडिट करे गए थे। डिटेल्स की बात करूँ यहाँ पर, तो एक बारी मैं इसकी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सॉरी, 6000 का लोन था। ठीक है, पूरी डिटेल समझना, वीडियो को स्किप मत करना, बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जो बता रहा हूँ वही समझना आपको। ठीक है, 6000 का लोन था। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 महीने के लिए यहाँ पे मुझे दिखाया था जब मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था, और 6044 रुपये मुझे रीपेमेंट करना था। और खाते में कितने आए थे भैया ये भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, दिखा दूंगा। सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं होम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे होम पे अगर मैं जाता हूँ तो भैया यहाँ पे लिखा हुआ है मैं पे नाउ। ओके, सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। 8044 रुपये ये मुझसे मांग रहे थे। ठीक है, 8044 रुपये ये मुझसे मांग रहे थे। तो इसने कहा कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में मतलब 300 रुपये पेपल कर सकते हो 28 तारीख तक, मतलब आपको एक्स्ट्रा दिन मिल जाएंगे अगर 300 रुपये पे करते हो। तो मैंने उनसे कहा मैं 1 रुपये भी पे करने वाला नहीं हूँ, आपको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि सर ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। फिर उन्होंने तमीज़ से बात करने लग गई, उन्होंने कहा ठीक है आपने 6000 का लोन लिया था, अब 6000 ही पे कर दूँ। तो मैंने कहा मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा, तो मैं जो करना है वो कर लूँ। फिर बहुत देर बात होने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भैया एक काम करो, आपके खाते में जितने पैसे आए थे ना 4800 रुपये उतना ही पे कर दो। तो मैंने उनसे ये भी कहा मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लूँ। उसके बाद हार फिर के उस फिर उसने कहा भैया 2200 रुपये की पेमेंट कर दो, आपका अकाउंट जो है हम क्लोज़ कर देंगे। मैंने कहा कि भैया मैं तो 1 रुपये नहीं दूंगा, जो करना है कर लूँ। उसके बाद फिर वो बदतमीजी पे आ गया, ये है वो है। मैंने कहा, मैंने उनसे यही सीधी बात कही, मैंने कहा कोई भी NBFC रजिस्टर्ड कंपनी जो होती है ना मैक्सिमम 6000 का लोन नहीं देती, अगर देती भी है तो 7 दिन के लिए और 14 दिन के लिए लोन नहीं देती। ये कंपनी ने क्या करा मेरे साथ, मैं आपको सीधे से बताऊँ। जब यहाँ पर मेरा लोन अप्रूव हुआ था तो भैया वहाँ पे दिखा रहा था मुझे कि मैक्सिमम जो है मुझे 2 MI में पे करनी है, 6000 का लोन है, 2 MI में पे करनी है, 3000 रुपये पर मंथ मुझे पे करना है। ठीक है, और जब मैंने इसे लोन को जो है ले लिया, मतलब अप्लाई जैसे ही किया मैंने, अकाउंट में डिस्पर्स हो गया, तो भैया वहाँ पे दिखा रहा है 14 दिन का टर्नओवर, मतलब 14 दिन में मुझे इसकी फुल रीपेमेंट करनी है। तो इस वजह से थोड़ा मैं भी इस वजह से थोड़ा खफा हो गया, तो इसलिए मेरे एजेंट को ये सब बता दिया कि भाई मेरे साथ ऐसा सीन हुआ था, मैं तो रीपेमेंट करने वाला हूँ नहीं। तो उन्होंने मुझसे यही कहा कि ठीक है सर, जो है जैसा है थोड़ा बहुत पे करके ख़त्म कर दीजिए। मैंने कहा मैं 1 रुपये नहीं दूंगा, यहाँ पर अगर देख सकते हो भैया 2000 रुपये की भी मुझसे रिक्वेस्ट करी थी उन्होंने, 2000 रुपये की नोटिफिकेशन भेजी थी मेरे पास, फिर 6000 रुपये की भी इन्होंने नोटिफिकेशन भेजी थी। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, 2000 की और 6000 की नोटिफिकेशन भेजी थी। मैंने तो 1 रुपये नहीं पे किया था, मैंने साफ बोल दिया भैया जिसको जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लो, 1 रुपये भी नहीं देने वाला। अगर आप लोग भी किस फाइनेंशियल लोन लेते हो, रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो NBFC हो। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, कोई भी NBFC कंपनी होती है ना, सारी की सारी जो लोन देती है तो मैक्सिमम अगर 3-4 महीने का आपको MI पे लोन मिलता है तो ही आपके ऊपर जो है कार्रवाई की जा सकती है। अगर 14 दिन का या 7 दिन का आपको लोन देती है तो आप टेंशन फ्री रहिए, कोई भी कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है, ये मेरा ओपनिंग नहीं, मेरा ही ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर कोई भी कंपनी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ठीक है दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दी है। तो दोस्तों थोड़ा सा अलर्ट रहिए, किस फाइनेंस से अगर लोन लेते हो तो बिल्कुल ध्यान से लीजिएगा। और हाँ, आपके रेफरेंस पे भी कॉल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मेरे रेफरेंस पे कॉल गई थी किस फाइनेंस की तरफ से, तो आपके रेफरेंस पे भी कॉल जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को 1 लाइक जरूर कर देना।